हालेलुया, बोलो प्रभु यीशु मसीह की। तो उपवास के बारे में हम लोग क्या कर रहे थे, अगले हफ्ते सीखा बहुत सारी चीजों को उपवास में। क्या नाम है, जब यूना जब नीनवा नगर में जाता है तो क्या कहता है, परमेश्वर क्या करेगा, सपना बहन पीला घड़ी को परमेश्वर नष्ट करेगा। तो का कहा बाप, ए भैया उतरा धाम का छाता पर से, ऐसे करोगे, अरे प्रभु प्रार्थना करने लगोगे, घुटना टेकोगे, गड़गड़ा उसके सामने रोने लगोगे, प्रभु माफ कर दिया, प्रभु क्षमा कर दिया, हम आगे से हम आपके आज्ञा पर चला है। प्रेम भैया अगर गीतांजलि जहाँ काम करता बोले बस हुआ ही कुछ हो ही वाला है तो क्या करोगे, है ना, दुकान लेकिन भगी भाई। हालेलुया, बोलो प्रभु यीशु मसीह की। नीनवा नगर के लोगों को जब यह संदेश मिला कि परमेश्वर 40 दिन के बाद इसको उलट देगा, सब नष्ट हो जाएंगे, जीव जंतु आदमी सब, तो वो लोगों ने क्या किया, डर डर थर 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 कांपने लगे, अरे बाप रे हम मर जाएंगे, अपनी आयु के लिए अपने जीवन के लिए वो क्या करने लगे, अपने परमेश्वर के साथ एक अच्छा संबंध बनाना शुरू कर दिए, अपने जीवन को सही करना शुरू कर दिए, अपने जीवन को नया करना शुरू कर दिए, प्रभु हम पश्चाताप करते हैं, हम उपवास में बैठते हैं, प्रभु मेरे जीवन को आप नाश ना करें, प्रभु परमेश्वर पिता मुझे माफ करें, मेरे पुरनियों को, मेरे बच्चों को, मेरे पीढ़ियों को आप नाश ना करें, प्रभु जी मुझे क्षमा करें, और उपवास में बैठ गए। यहां तक बाइबल बताती है कि बिल्ली कुत्ते जीव जंतु जितने भी थे सबको खाना पानी रोक दिया गया, किसी को नहीं दिया गया, छोटे छोटे बच्चे को भी दूध नहीं पिला थे, माँ मतलब दूध नहीं पिला रही थी, पश्चाताप कर रहे थे, सब बिलख रहे थे, रो रहे थे, डर रहे थे मौत से, पर जीवन किसके पास है, जीवन जिसके पास है हमें उससे क्या करना चाहिए, डरना चाहिए, किससे डरना चाहिए, क्या लिखा गया है एक वचन में, प्रभु ने क्या बोला, जो जो तुम्हारे शरीर को नाश करे उससे नहीं परंतु उससे डरना जो तुम्हारे शरीर और आत्मा दोनों को, शरीर और आत्मा को दोनों को कौन नाश कर सकता है, इसलिए हमें किससे डरना है। नीति वचन 19 अध्याय हम लोग निकालेंगे एक बार, नीति वचन 19 का 23 वचन, यहोवा का भय मानने से जीवन भरता है, यहोवा का भय मानने से, अरे आधा बोल दिया करो, यहोवा का भय मानने से जीवन भरता है। और इसका मतलब है कि नीनवा के नगर के लोगों ने परमेश्वर का भय नहीं मान रहे थे और उनका मृत्यु निश्चित मतलब लटक गई रही, क्या बोलते थे उसको, नजदीक हो गई थी, है ना, गुस्सा हो गया था परमेश्वर, आप भैया आप तो हाल लोगों का खैर नहीं ना, है ना, पर वो लोगों ने सचमुच में परमेश्वर का भय माना, वो लोग में वो लोग सचमुच में परमेश्वर से डरना शुरू कर दिए, थरथराना शुरू कर दिए, उपवास रखना शुरू कर दिए। पता है जैसे अभी हम लोग नहा के तेल लगा रहे हैं या हम लोग बाल कटा रहे हैं, मुमोच बना रहे हैं, दाढ़ी बना रहे हैं, कपड़ा नया पहन रहे हैं, ऐसा कुछ भी नहीं था, जो चूल्हे की राख होती है ना उस राख को पूरा लपेटना, अपने सर पे डालना, टांट ओढ़ना, प्रभु हम कीड़े हैं, हम मकोड़े हैं, प्रभु हमें माफ कर दे, हमें क्षमा कर दे, हमारी गलतियों को माफ कर दे, परमेश्वर के सामने गिड़गिड़ाना, एक चीखना चिल्लाना। अगर आपका बच्चा पोटी कर दे, नाक आ रही है और चिल्लाना शुरू कर दे एकदम, क्या करोगे आप, कितना भी आपको परेशान कर रहा है और चिल्लाना शुरू कर दे तो आप क्या करोगे, नाकों साफ करवा, उसकी पोटी भी साफ करोगे, उसको नहलाएगे धुलाएगे, उसको साफ सुथरा करोगे, क्यों, क्योंकि आपका बच्चा आप उससे प्यार करते हो, है ना। परमेश्वर के पास जीवन है, आपके पास जीवन है, अपने बच्चे को अपने बच्चे के संभालने के लिए, उसको आशीषित करने के लिए, उसको खड़ा करने के लिए आपके पास पावर है, ताकत है, आमीन। आपके जीवन को आपकी आयु को बढ़ाने के लिए परमेश्वर के पास पावर है, सामर्थ है, आमीन। हालेलुया, फिर से पढ़िए भैया,
यहोवा का भय मानने से जीवन बढ़ता है, यहोवा का भय मानने से जीवन बढ़ता है, और उसका भय मानने वाले वाला ठिकाना पाकर सुखी रहता है, उसका भय मानने वाला उसका भय मानने वाला क्या पाकर ठिकाना पाकर क्या करता है, वो ठीक रहता है, सुखी रहता है। ठिकाना जब उसका भय मानते हैं तो परमेश्वर की ओर से परमेश्वर का वचन बताता है कि पहली बात आपको क्या मिलता है, जीवन मिलता है और ठिकाना मिलता है और सुखी जीवन होता है। हालेलुया। अच्छा मैं थोड़ा से आपके एक बात पूछता हूँ, कितने लोगों ने जब प्रभु के पास आप नहीं आए थे, प्रभु को आप नहीं जान रहे थे, सब गुनाह पाप आप कर रहे थे, प्रभु में आने के बाद आपने अपने जीवन को, अपने हाथ को, अपने चरित्र को आपने थोड़ा चेंज किया है या पूरा चेंज किया है, और चेंज करने के बाद अभी आपका जीवन कैसा है, क्या आप ठिकाना महसूस कर रहे अपने अंदर, और क्या नाम है, आप उस शांति को महसूस कर रहे हो जो बाहर नहीं था आपको। हालेलुया। प्रभु क्या क्या सिखाना चाह रहा है हमें इसमें, अभी आपने 75% अपने आप को परफेक्ट कर लिया है, 25% थोड़ा और करेंगे तो शायद जो सुकून है वो भी आ जाएगा, जो ठिकाना थोड़ा इधर उधर है ना वो भी सही हो जाएगा। आमीन। हालेलुया। अब बाइबल बताते हैं कि मनुष्य तो पाप में है, एक सब पापी है, एक भी धर्मी नहीं, सबके सब निकम्मे हैं। हालेलुया। ये बाइबल कह रही, मैं नहीं कह रहा, भैया कहेंगे, भैया कह रहे हमको निकम्मे कह रहे हैं, आप लोग को नहीं, आप लोग बहुत अच्छे हो। आमीन। हालेलुया। बोलो प्रभु यीशु मसीह की। यहोवा का भय मानने से क्या होता है, आज लोग पता है डॉक्टर के पास जाते हैं क्या करने के लिए, जीवन पाने के लिए, भैया उम्र बढ़ाने के लिए है ना। डॉक्टर बोलते थे एक काम करना, आप कुत्ते को पाल लो, कुत्ता आपके पीछे दौड़ेगा, आप भागना, आपका सेहत क्या होगा, सही हो जाएगा, है ना। पर पता है मनुष्य का जो इलाज है ना वो आधा अधूरा है। एक बच्चे पता है क्या नाम है, वो हमेशा क्या करता है, नाखून चबाता रहता था। उसका पापा बोलता है, इसका माँ बाप बोलता है, क्या करता रहता है, हमेशा नाखून चबाता है, चबाता रहता है, ऐसे चबाता रहता है, बहुत परेशान है माँ बाप। और पता क्या हुआ, एक बार कोई आया, बोला क्या हुआ, क्यों परेशान है, अरे यार मेरा बच्चा परेशान है यार, इतना बड़ा हो गया, पड़ोका हो गया हमारे, मतलब कितना 10-12 साल का रहा होगा, चबा रहा है इसे नाखून, सब पूरा नाखून सब चबा रहा है। बोले यार वहां पर अच्छी ट्रेनिंग दे रहे हैं, अच्छा शिक्षा दे रहे हैं, वहां पर जो है वर्जिश सिखा रहे हैं, वहां ठीक हो जाएगा। बोले ठीक है ले चलता हूँ, वहां ले गए। उसके बाद बच्चे को डाल दिए, एक महीने बाद लेकर आए वापसी, बोले ठीक हो गया, बोले ठीक नहीं हो गया, मुसीबत बढ़ेगी। बोले वो कैसे, बोले यार पहले क्या नाम है ना, वो झुक नहीं पाता था, वो वर्जिश करने वाले से झुका दिया, अब नाखून कभी वो पैर कभी नाखून चबाने लगा, बड़ा पंगा हो गया, जो इंसान का जो दवाई है ना वो उल्टा काम करने लगती है। हालेलुया। पता है इंसान के पास जो है जीवन, जिसके पास है उसके पास लोग नहीं जा रहे हैं, है ना। आज लोग जीवन पाने के लिए कहां जा रहा है, किसका भय मान रहा है, अपनी सुरक्षा के लिए क्या कर रहे हैं लोग। पहले लोग दरवाजा बंद करते थे किस लिए, ताकि कुत्ता घर में ना आए, है ना। अभी पता है घर में कुत्ता पालते ताकि आदमी कोई घर में ना आए, है कि नहीं है। yes. शेर वाला हप हप, ओ भैया दरवाजा के बाहर ही, अब यह कुत्ता भाई मार डालेगा, हाँ डरता है लोग ना, बड़ा मतलब कि सब उल्टा हो रहा है। जीवन किसके पास है, प्रभु के पास। लोग अभी जाके देखो तो पूरा थकाई खत्म करने के लिए लोग ठीके पे आपको दिखाई देगा। सचमुच में अगर वो प्रभु को जानता, जीवन के पास आता, प्रभु के चरणों में बैठता, मैं आपको बताऊं आपका थकान ही नहीं, आपका हर एक वो मुसीबत प्रभु यीशु मसीह क्या करता, अपने ऊपर ले लेता। आमीन। आपको वो शांति देगा, आपको वो आनंद देता। हालेलुया। पता है लोग क्या कर रहे हैं ना, जीवन यीशु के पास है, यीशु मसीह ने बोला मार्ग
क्या बोला? मार्ग सत्य जीवन मैं ही हूं। एक बार एक लोहार था, लोहा उसके पास था। हाँ, एक खरगोश आता है, उसको बोलता है गाजर है क्या? बोलता है भैया बेटा यहाँ पर लोहा है, लोहे की दुकान है, गाजर नहीं मिलता। दूसरे दिन फिर आता दो दांत आगे करके, अंकल जी गाजर है क्या? लोहार बोलता है बेटा तुझे कल बता तो दिया था कि ये लोहे की दुकान है, यहाँ पर गाजर नहीं मिलती। फिर दूसरे दिन आता है, फिर दांत दिखाता है, अंकल जी गाजर है क्या? बोलता है यार इसको बता दिया फिर भी परेशान कर रहा है। फिर चौथे दिन आता है वो, अब की बार वो पिलास उलास लेके बैठा हुआ था, गुस्से में बैठा हुआ था। बोला हाँ क्या है? तैयार था वो, बोला क्या है? गाजर है क्या? पकड़ के दोनों दांत तोड़ दिया उसका। आ तेरे को गाजर देता हूं मैं। उसका आगे वाला दांत क्या कर दिया? तोड़ दिया। पांचवे दिन फिर आता है, जैसे आता है क्या हुआ? आया मजा? तेरे को मैं समझा रहा था ना, नहीं समझा ना? गाजर पूछने आया? नहीं नहीं गाजर के जूस मिलेगा क्या? मतलब जीवन है नहीं उसके पास, फिर भी क्या करते लोग? वहीं जाएगा। बाइबल बताती है कि यीशु मसीह मारा गया, गाड़ा गया, मुर्दों में से तीसरे दिन जी उठा, और आज भी उसकी कवर खाली है, और लिखा है मुर्दों में से वो। कितने लोगों ने बोला कि भैया मैं आपका उद्धार नहीं कर सकता, मैं भी मरा, मेरी भी कब्र बनी पड़ी है। पर लोग बोलते हैं कि भैया जीवन है क्या? जो समझ रहे हैं बोले हालेलुया। बुझा गया? Yes. समझ में आया कि नहीं? Yes. गाजर उसके पास नहीं है, फिर भी उसके पास जा रहा है गाजर लेने के लिए। हालेलुया। अपना दांत भी तोड़वा के आ गया। क्यों? क्योंकि भाई उसके पास नहीं है तो वो क्या करेगा, है ना? आप लोग ने एक गाना सुना है, एक गाना बहुत सुंदर है, क्या नाम है उसमें, काकर ब्या जगतिया से नहीं आला गाई के, काकर ब्या जगतिया से नहीं आला गाई के, जोड़ ल्या प्रीतिया आज येसु जी से आई के। अगर येसु के पास आएंगे तो हमें क्या मिलेगा? जीवन मिलेगा। हालेलुया। अभी यहां पर लिखा हुआ है कि यहोवा का भय मानने से जीवन बढ़ता है, जीवन बढ़ता है। हालेलुया। किसका भय मानने से? यहोवा का भय मानने से क्या होता है? जीवन बढ़ता है। आज हमको आपको परमेश्वर कह रहा है कि हमें हमको आपको उस परमेश्वर के समीप आने की जरूरत है। क्या नाम है, यूहन्ना की पुस्तक में लिखा गया है 3 अध्याय उसके 20 वचन में या 21 वचन में है कि चोर जो है ना कभी भी उजाले में क्या करता है? किस लिए नहीं आता? पकड़े जाएंगे, पकड़े जाएंगे, उसके पाप क्या होंगे? प्रगट हो जाएंगे, है ना? तो जीवन किसके पास है? प्रभु के पास है, यीशु के पास है। और अगर हम पापी हैं, गुनहगार हैं, तो पता क्या है, हम लोगों से डरते हैं, हम लोगों से डरते हैं। पर हमारे पाप का छुटकारा, हमारा जीवन देने वाला सिर्फ हमारा प्रभु यीशु मसीह है, हमारा उद्धार करता है, और दूसरा कोई हमें नहीं दे सकता। क्योंकि बाइबल हमें कहती है कि जो परमेश्वर है, जो यहोवा है, अगर हम उससे भय, उसका भय मानते हैं, तो पता क्या होता है, हम उसके समीप जाते हैं, उसके करीब जाते हैं। ध्यान रखना, जितने भी अभी बहुत से भाई, आप लोग कितने लोगों ने सुसमाचार बताया है अपने आस पड़ोस, अपने अंकल चाचा ताऊ को? वो लोग आने के लिए, यहाँ आने के लिए आपको क्या बहाना बताते हैं? कुछ जहां दिखाए हुआ देख ले, मतलब जीवन अभी खरगोश वाला है। कौन सा खरगोश वाला है? हाँ वो वाला, एक कहावत है ना, क्या बोलते हैं, एक आदमी को पेट में दर्द हुआ तगड़ा, डॉक्टर जी के पास है, डॉक्टर साहब क्या हुआ? अरे बहुत पेटवा पीड़ा है।
बहुत दर्द हो रहा हमारे पेट में। अच्छा सारा चेकअप कर लिया, कुछ समझ में नहीं आ रहा। अच्छा एक बात बताओ, आप रोटी कितना खाते हो? भाई साहब हम 10 रोटी खाते हैं। डॉक्टर साहब ने बोला कि अगर यार 10 रोटी खाओगे तो दिक्कत होगा ना, एक काम करो कल से 5 रोटी खाना। बोल ठीक है। दूसरे दिन आता है, क्या हुआ, पेट का दर्द कैसे है, आराम है? नहीं डॉक्टर साहब पेट में दर्द हो रहा, आराम नहीं है। कितनी रोटी खाया? 10 रोटी। क्यों? ऐसा है ना, आपसे दिखाया तो आपने बोला 5, जो इससे पहले दिखाया था उसने भी बोला 5 खाने के लिए, इसलिए 5-5 कितना हो गया, 10 रोटी खा लिया, इसलिए दर्द। मतलब अभी उधर भी कुछ लोग ऐसे हैं, उधर भी जीवन ढूंढ रहा है और मतलब क्या है कि जीवन प्रभु के पास है। अभी मैंने पूछा कि कितने लोग बहाना मारते आने के लिए यहाँ पे, कुछ लोग का कहते अच्छा ये बताओ अगर हम प्रभु में जाप तो का ना खाई पड़ी, का ना खा, बीड़ी बीड़ी छोड़े पड़ी का, भाई लोग से बोलेंगे बीड़ी छोड़ना पड़ेगा। कई पता है मैं कई जगह कई कलेशियों में गया हूँ प्रचार करने के लिए, यूपी में गया हूँ कई जगह, तो लोगों से प्रार्थना में मैं बोला हूँ कि एक काम करो आज यहाँ पर लाकर जितने लोग अपने पॉकेट में रखा है, चर्चवा में भी लोग बीड़ी या तमकुआ लेके आते हैं, प्रभु का भी भय नहीं रखते। पता है तमाकुल बीड़ी लेकर यहाँ रखे, मैंने कहा अपने उस पे पांव रखो, कचरो इसको, इसको श्रापित करो कि आज तेरी सामत को मैं क्या करता हूँ अपने ऊपर से तोड़ता हूँ। वो बीड़ी सिगरेट आपके ऊपर राज नहीं कर सकता, आप उसके ऊपर राज करोगे। आमीन, हालेलुया, बोलो प्रभु यीशु मसीह की। मेरे प्रिय आज 90% लोग पता क्या है, वो अपनी इच्छाओं को क्या कर रहे हैं, पूरा कर रहे हैं। सिर्फ प्रभु ने बोला है कि मार्ग सत्य जीवन मैं हूं। अब इंसान जीवन पता है कब ढूंढता है, वो हर एक व्यक्ति को ये बातें समझ में नहीं आती है। नौजवान को तो बिल्कुल समझ में नहीं आती है, नौजवान बच्चों को बिल्कुल समझ में नहीं आई, नौजवान बहनों को नहीं समझ में आएगा। पता है जब आपने सब कुछ करने के बाद जब आपका नाती पोता हो जाएगा, 2-4 दांत आगे का निकल जाएंगे, आई आई करे लगबे ना, तब उसके बाद ना नाती पूछ रहा है ना बेटवा पूछ रहा है। आप उस समय नए नए कपड़े हम पहन रहे थे, अभी क्या है, पतोहिया को उतार के पहरे पड़ी, बेटवा का उतारन पहरे पड़ी। अब उस समय होता है, अब उनके सामने एक ही चीज है कि अब मेरा क्या होगा, अब सब खत्म है, अब मैं मर जाऊंगा। क्योंकि इंसान को पता है कि मैं 60-70-80 बहुत बहुत तरह के, जब 90-100 उसके बाद क्या है, उसके बाद मरना है ना, मरना है। तो उनके समझ में आता है कि मारा तो जाप कहा करी, कुछ भला काम कर ली, कुछ अच्छा काम कर ली, तो प्रभु ध्यान रखिया, प्रभु तेरी ध्यान रखिया, सब छोड़ दे, देखा था मां लड़को हमको छोड़ दे, जगह लिए हम जिए वो छोड़ देता, प्रभु ध्यान रखिया। प्रभु कहा था अब तक का करते रहे, जब कहते रहे कि मार्ग सत्य जीवन, तब तक तुम अपनी इच्छाओं को पूरा कर रहे थे, मेरा भय नहीं रखे। आप दारू पी रहे हो, बीड़ी पी रहे हो, व्यभिचार कर रहे हो, अब जीवन को ढूंढ ही कहां रहे थे, आयु बढ़ेगी कहां, बीड़ी पी के, दारू पी के, फेफड़ा कलेजा सब क्या कर रहे हो, डैमेज कर रहे हो शरीर में, तो मर ही रहे हो, शैतान को नियंत्रण दे रहे हो, वो आपको अंधकार में लेके जा रहा है, शरीर भी जा रही है और आत्मा भी। अब प्रभु क्या ध्यान रखेगा, अगर आप बहुत इच्छा भी कर रहे हो प्रभु को जानने के लिए भी, उस समय समझ नहीं है आपके पास, और उस समय आपको अवसर पता नहीं प्रभु दे कि ना दे आपको, आप अपने प्रभु को समझ पाए या ना समझ पाए। इसलिए परमेश्वर का वचन लिखा हुआ है, बुद्धिमान अपने बुद्धि पर घमंड ना करें, ना धनवान अपने धन पर, और ना वीर अपने वीरता पर। अगर घमंड करे तो इस बात पे करे कि वो परमेश्वर को जानता और समझता है, वो परमेश्वर आपके लिए सब कुछ कर सकता है। आमीन। मेरे प्रिय आज हमको आपको भय रखना है, किसका भय? एक आदमी पता क्या कर रहा था, बहने मैं आपको बताऊं, जब कभी भी आपका पति खाना खाने लगे और आपको बोले अचार है क्या, प्याज काट के देना, अब मिर्ची दे दे काट, तो समझ जाना कि आज खाने में दम नहीं है, सब्जी में ताकत नहीं है, और बेचारा मजबूर है,
क्यों पता है? क्योंकि बेलना लेकर आप बेल रहे हो, रोटी चाहिए वो आपको नहीं देख रहा, बेलना देख रहा है, डर रहा है और डर के मारा आचार मांग रहा है। कहीं ऐसा ना हो कि कह दी सब्जी खराब या पंगा हो जाए, है ना? डर किसका है? पत्नी का है भैया, है? हालेलुया, बोलो प्रभु यीशु मसीह की। हम लोग नीति वचन में और आगे जाएंगे, नीति वचन 9 अध्याय उसका 11 पद को हम लोग देखेंगे। मेरे द्वारा तो तेरी आयु बढ़ेगी। हाँ, परमेश्वर क्या कह रहा है? मेरे द्वारा तेरी क्या होगी? हम अपने तो गर्लफ्रेंड के पास जाएंगे, तेरे पास क्यों आएंगे? आजकल नौजवान भाई लोग क्या करता है, बहन लोग क्या करता है, चर्चवा में भी बैठे रहते हैं, मैसेज करते रहते हैं, पाशी थोड़ी ना देख रहे हैं, प्रभु देखता है, प्रभु मेरा क्या करता है, आपको देख रहा है। मैं यहां पर भी कई लोगों को देखा हूं, मैसेज कर देते हैं, अब तो कुछ लोग सुधर गए क्योंकि शादी कर ली है। हालेलुया, अभी कुछ लोग सुधरेंगे धीरे धीरे। हालेलुया, बोलो प्रभु यीशु मसीह की। परमेश्वर क्या कह रहा है? मेरे द्वारा तेरी क्या होगी? आपको किसको प्राप्त करने की जरूरत है? कुछ लोग लड़की को पाने के लिए उपवास रखते हैं, लड़के को पाने के लिए 6-6 दिन उपवास रखते हैं, प्रभु भाई हमको मिले चाहिए, बाद में नरक का ही दे तो कहती पता नहीं कहां हमारे किस्मत में तो लिखी रहे। प्रभु कह रहा है मेरे द्वारा तेरी क्या होगी? हम प्रभु को नहीं, हमें वो चाहिए, है ना? कई बार हम देखते नौजवान बच्चों को, उनके अंदर जनून होता है। एक बच्चे से मैंने मिला, वो बच्चे के अंदर एक जनून था, बोला मामा मैंने क्या बोला, मैं आर्मी का नौजवान बनना चाहता हूं, मैं बचपन से मेरे अंदर शौक है, मैं कुछ बन के दिखाना चाहता हूं। आज वो आर्मी में नौजवान है। मेरे घर पे आया था, मैं उसके साथ थोड़ा देर था, मेरे अंदर जुनून पैदा हो गया। मैंने कहा वाकई में जो काम दिल से किया जाता है उस पे वो लोग जरूर प्राप्त करता है। राहुल भी दिल से काम किया, प्राप्त किया उसने। हालेलुया, बोलो प्रभु यीशु मसीह की। पता है उस बच्चे को मैंने क्या किया, घर से क्या नाम है वहां अपने घर से बस स्टॉप पे उद्योग नगर उस पे बस स्टॉप पे छोड़ने के लिए आया। पता है मेरे साथ वो 2 घंटा था, बातचीत किया। पिछली बार जब आया था तो उसका मैं क्या नाम है पेपर कराने के लिए गया था उधर, क्या नाम है उस साइड बहुत आगे, मतलब आजादपुर के पहले गया था, पेपर करा के आया था। वो मेरे साथ आया, 2 घंटा रहा, बोला मुझे आर्मी बनना है, मुझे उसमें नौजवान में मतलब भर्ती होना है, और उसका सिलेक्शन हो गया, भर्ती हो गया, सब कुछ हो गया। जब उसको घर से मैं लेकर स्टाफ पे छोड़ने के लिए आया, उसको वर्दी सिलाई, वर्दी के लिए फोन आया था कि आओ नाप दे जाओ, आपकी वर्दी सिली जाएगी। पता है मैं उसका बैग लेकर आया स्टाफ तक, स्टाफ तक आने के बाद इतना दीवाना रहा कि वो पीछे मुड़ के नहीं देखे मामा गहन की नहीं। मतलब एक ऐसी लगन होना चाहिए, मुझे किसी को कुछ नहीं दिखना चाहिए, कितनी सुंदर लड़का हो, कितनी सुंदर लड़की हो, पर मेरा लक्ष्य क्या है उसकी ओर ध्यान देना चाहिए। आमीन, हालेलुया। ये दीवानगी लोगों के अंदर दिखना चाहिए। अगर वो दीवानगी है तो निश्चय आप उस मंजिल को आप प्राप्त करोगे। आमीन। क्या कह रहा है प्रभु, फिर से पढ़िए भैया। मेरे द्वारा तो तेरी आयु बढ़ेगी। मेरे द्वारा तो तेरी आयु बढ़ेगी और तेरे जीवन के वर्ष अधिक होंगे। तेरे जीवन के साल क्या होंगे? अधिक मतलब क्या होंगे? अब आप किसकी ओर बढ़ेंगे? बोलो प्रभु की ओर बढ़ेंगे। प्रभु की ओर बढ़ेंगे तो जीवन की ओर बढ़ जाएंगे। आमीन, हालेलुया। जब हम प्रभु यहां पर कहता है कि मेरे द्वारा तेरी आयु बढ़ेगी, हम परमेश्वर के द्वारा हम पे क्या होगा, वो आयु बढ़ती है। अच्छा, कितने लोग लाजर के बारे में जानते हैं? लाजर के बारे में बाइबल में उनके उनके विषय में कुछ चर्चा लिखा हुआ है, कुछ बात लिखी हुई है? हाँ, एक मार्था मरियम थी, उनकी बहन
जब प्रभु उनके घर पे आया था तो क्या हुआ था? मार्था ने क्या किया? सेवा बनाने में लग गई। नहीं नहीं नहीं, मरियम सेवा कर रही थी। मरियम क्या कर रही थी? मार्था क्या कर रही थी? मार्था अपने कामों में क्या थी? अभी मैंने शुरुआत में एक बात बोला ना, पास्टर घर में आ गया तो जो आज का आस पड़ोस क्या है ना, वो आई बेचारे वचन सुना थे ध्यान से, और जो घर का मालिक है जो बुलाया है ना, वो परेशान है। पानी लिया रे, चाय लिया रे, ई लिया रे, ऊ लिया रे, देखा नहीं ना चार मना यहाँ यहाँ रे, परेशान है। वो वचन नहीं सुनते, वो आशीष नहीं प्राप्त कर पाते। पड़ोसी आशीष प्राप्त करके क्या होता है ना? हालेलुया, बोलो प्रभु यीशु मसीह की। तो यहाँ पर प्रभु हमें एक आपको बताना चाहता है, जो लाजर था वो क्या था? लाजर क्या था? बीमार था, है ना। लाजर कितने दिन से बीमार था? काफी दिनों से बीमार था। प्रभु यीशु मसीह को संदेशा भी पहुंचा, पर यीशु मसीह नहीं आए। लाजर क्या हो गया? टपक गया। उसको क्या कर दिया गया? कब्र में डाल दिया गया। कितने दिन बाद यीशु मसीह आता है? चौथे दिन यीशु मसीह वहां पर पहुंचता है। लाजर कितने दिन के बाद जिलाया गया? चौथा दिन दिलाया गया। चौथे दिन, पता है यहूदी लोग, वहां के लोग क्या विश्वास करते थे कि तीन दिन तक आत्मा क्या होता है? भड़कता है। तीन दिन तक, अगर तीन दिन के अंदर यीशु मसीह जिंदा कर देता तो बोलते अरे आत्मा तो यही रही। पर उनका भी विश्वास को उसने क्या किया? तोड़ दिया। बोला चौथे दिन जिलाऊंगा। अगर मरियम के संदेश पे मैं आ जाता तो सर्दी जुखाम बुखार से छुटकारा पाता, इसलिए मैं आया हूं कि ये मृत्यु से भी छुटकारा पा जाए। हालेलुया। परमेश्वर आपके लाइफ में, आपके जीवन में जो काम करेगा वो एक नंबर के करेगा, परफेक्ट काम करेगा। वो सर्दी जुखाम को चंगा करने वाला नहीं है, वो कैंसर और टीवी और कैंसर की बीमारी को खत्म करने वाला। आमीन। हालेलुया। बोलो प्रभु यीशु मसीह की। मेरे प्रिय, यहां पर हम देख पाते हैं कि वो लोग किसकी ओर थे? फिर से वचन पढ़िए। हाँ हाँ, 11। मेरे द्वारा तो तेरी आयु बढ़ेगी। मेरे द्वारा तो तेरी क्या होगी? वो लोग किसकी ओर थे? यीशु के द्वारा ही तो क्या हुआ उसका? आयु बढ़ गई, दिन बढ़ गया, साल बढ़ गया, उम्र बढ़ गई। किसका? लाजर का। क्यों? लाजर यीशु मसीह से प्यार करता था और यीशु मसीह लाजर से प्यार करता था। वो मित्र थे, है ना। मरियम मार्था मित्र थी, उनकी बहनें थी, सगी बहनें नहीं थी पर बहन की तरह प्रभु से वो प्यार करती थी। वो भले की भाई बहन थे पर एक प्रेम था उनके बीच में। पता है जब आप प्रभु से प्रेम करते हैं ना, तो ध्यान रखना परमेश्वर सिर्फ आपका ही नहीं, आपके परिवार के लोगों को भी भला करता है, आपके पड़ोसी का भी भला करता है, आपके नगर की भला करता है, है ना, आपके नगर तक की सुरक्षा करता है। बाइबल में पुराने नियम में लिखा हुआ है कि अगर 10 लोग जिस गांव में विश्वासी हैं उस गांव को परमेश्वर बख्श देता है, आशीष देता है। आपके द्वारा लोग आशीष पाएंगे, आपके द्वारा लोग उस उन्नति और जीवन को प्राप्त करेंगे, और वो उनको नहीं पता है, पर ध्यान रखना न्याय होगा एक दिन। वही धर्मी लोगों को वही पापी लोग क्या करते हैं? लतारते, मारते, पर उनको नहीं पता है कि भाई वो नहीं धर्मी की वजह से तू दुरोटी खाता है। समझ में आ रहा है? उन्हीं धर्मियों की वजह, बाइबल बताती है कि 10 लोग अगर हैं तो परमेश्वर क्या करता है? उनके ऊपर दया करता है, उस नगर की कृपा करता है, उनको सुरक्षा देता है। पर उन्हीं लोगों क्या करते हैं? लोग आज सताते हैं, परेशान करते हैं, पर भूल जाते हैं कि उन्हीं के वजह से वहां पर शांति है, आशीष है, जीवन है। आमीन। हालेलुया। फिर से पढ़िए भैया इसको। मेरे द्वारा तो तेरी आयु बढ़ेगी, हाँ, और तेरे जीवन के वर्ष अधिक होंगे। हालेलुया। बोलो प्रभु यीशु मसीह की। यहाँ पर परमेश्वर ने इस बात को बोला है कि जब हम आप उसके समीप जाते हैं तो वो हमारे समीप आता है
है ना। अभी हम लोग सीख रहे थे कि यहोवा का भय मानने के बारे में, किसके भय मानने के बारे में, यहोवा का भय, है ना। आज पता है लोग 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 बाग जो है ना इंसान से डरता है, डरता ही नहीं डरता है, है ना जी। एक बार बताऊं क्या नाम है, बाइबल बताती है, बाइबल बताती है कि जैसा अभी हम लोग मतलब सीख रहे थे कि यहोवा का भय मानने से क्या होता है, आयु बढ़ती है, जीवन मिलता है ना, नीति वचन में। और परमेश्वर का वचन कहता है नीति, उसमें भजन संहिता में, भजन संहिता 37 है क्या शायद, भजन संहिता 37 निकाल लेंगे, 37:4, यहोवा को अपने सुख का मूल जान। हाँ, यहोवा का अपने सुख का क्या कर, सुख का मूल जान, और वही तेरे मनोरथों को क्या करेगा, पूरा करेगा। अभी अभी हम लोग लड़की लड़का के बारे में सुन रहे थे ना, आज मैं बोल रहा था कि नौजवान प्रभु को इस प्रकार से नहीं ध्यान देते, नौजवान जो भाई हैं, बहन हैं, बच्चे हैं, वो पता क्या है, वो अपने अपने जोश में, अपने होश में, प्रभु का धन्यवाद हो कि मैं भी लगभग लगभग मेरे ख्याल से 30 साल की उम्र में मैं भी यीशु मसीह को जान लिया था, नहीं और पहले जान लिया था, यीशु मसीह को जान लिया था। उस समय मैं पूरा परमेश्वर का धन्यवाद हो कि मैं अब अपने जमाने में प्रभु यीशु मसीह को जान गया, हालेलुया। मैं सोच रहा था कि प्रभु मुझे और पहले क्यों नहीं जान पाया मैं प्रभु को, है ना, और पहले क्यों नहीं जान पाया। हिचकिया फ्रांसिस बता रहे थे कि मैं 10 साल की उम्र में प्रभु यीशु मसीह को जाना और अपना जीवन मैंने दे दिया। और एक क्या नाम है, इधर पंजाब में एक कट्टर सिंह जो है प्रभु के जन थे, नौजवान सुंदर थे, बड़े घर के थे, और क्या नाम है, उनके मम्मी पापा बहुत परेशान है क्योंकि वो यीशु मसीह की आराधना कर रहे थे, प्रभु की प्रार्थना कर रहे थे, प्रभु से प्रेम करते थे, वो जाकर जंगल में प्रार्थना करते थे, जब जो जो मतलब कि बजरा होता है उधर उस साइड में बजरे में घुस जाके प्रार्थना कर रहे थे, पेड़ पे चढ़ के प्रार्थना कर रहे थे कि उनकी मम्मी पापा ने ढूंढ पाए। और उनके मम्मी सब पापा सोच रहे थे कि हमारे बेटों की शादी होए, मार खेत है, बिल्डिंग है, सब कुछ है, नौकरी करे ना करे, शादी हो, लड़का बच्चा हो, बस ये उनकी माँ बाप की इच्छा थी। पर पता क्या है, एक लड़की, खूबसूरत लड़की को और कट्टर सिंह को क्या किया गया, एक कमरे में बंद कर दिया गया, एक कमरे में बंद कर दिया गया। वो सोचे कि लड़की को देखेगा तो क्या होगा, इसका हृदय पिघल जाएगा और ये क्या करेगा, उसके जाल में फंस जाएगा, हम इसकी शादी करा देंगे, इसके बाल बच्चे होंगे। मतलब वो बच्चे को, अपने बेटे को सुधारना चाहते थे, पर वो जानते थे वो लड़की लड़का से प्यार नहीं किया था, वो तो अपने परमेश्वर से प्यार किया था, अपने गॉड से प्यार किया था, अपने प्रभु से प्यार किया था वो। और पता क्या हुआ, सारी रात लड़की उसका पैर खरबोटती रह गई कि मैं अपना जीवन आपको समर्पण करना चाहती हूँ, मैं आपसे प्यार करती हूँ। कट्टर सिंह एक बात बोले, मेरे पास एक शरीर है और ये शरीर यीशु मसीह की है, मैं आपको नहीं दे सकता, सॉरी, मैं अपने प्रभु से प्यार करता हूं, मैं दुनिया में कोई भी उस जगह को नहीं ले सकता। सुबह जब दरवाजा खोले, लोगों ने दरवाजा खोले, उसको पूछे क्या हुआ, बोले भैया मैं जितना भी हो सकता है मैंने पूरी अपनी कोशिश किया, पर ये प्रभु से प्यार करता, मैं इसके साथ रहकर मैं डर गई कि मैं पाप कर रही हूं, मैं इससे दूर हो गई थी, इसकी इसका जो प्यार है, इसकी जो दीवानगी है, इसकी दीवानगी प्यार को देखकर मैं डर गई थी कि इसका परमेश्वर सचमुच में सच्चा, ये सचमुच में परमेश्वर से प्यार करता। वो बहन भी प्रभु को महिमा करने लगी, तो बहन भी परमेश्वर की आराधना करने लगी। पता है जो आप लोग ने देखा होगा, लड़की लड़का के प्यार को पिक्चर में भी दिखाया गया है ना, एक प्रेमी एक आई थी, कौन सा पिक्चर थी मेरे को ध्यान नहीं है, मैं उस पिक्चर को देखा था कि क्या नाम है, वो हवाई जहाज, वो जहाज जो है ना हैक कर लेते हैं दुश्मन लोग, एक प्रेमी क्या करता है, पूरे जहाज को आजाद करवाता है ना, जिसमें गाना है उठा ले जाऊंगा तुझे डोली में, है ना, वो वाला हीरो देखा आपने, उस एक दीवाना, मतलब एक दीवानगी, वो परमेश्वर ऐसी दीवानगी चाहता है। अगर आप परमेश्वर के साथ हो गए, जैसे बाइबल में लिखा हुआ है कि यहोवा को अपने सुख का मूल जान, आपका स्वास्थ्य को, आपके जीवन को, आपके लाइफ को, सब चीजों में परमेश्वर क्या करेगा, सुंदर और अच्छा करेगा।
कुछ लोग कहते हैं कि मेरा बच्चा बर्बाद हो रहा है, जिसको परमेश्वर के बारे में नहीं पता है। मेरे पापा भी मुझे बहुत डांट रहे थे, फटकार रहे थे, तू यीशु को क्यों यीशु की क्यों आराधना करता, वो तो विदेशी परमेश्वर है। ऐसे करके मेरे पापा मुझे बोले, मुझे बहुत डांटे। मैंने कहा, पापा जो दुनिया को बनाने वाला है ना, वो हिंदुस्तान में, पाकिस्तान में, इंडिया में या कहां भी पैदा हो, इससे मतलब नहीं, दुनिया में एक ही जगह पैदा होगा, पूरी दुनिया उसकी है, और वो पूरी दुनिया के लिए अपने कलवरी क्रूस पे उसने कीमत चुकाया। अब इंडिया के लिए एक अलग ईश्वर आएगा, पाकिस्तान के लिए अलग आएगा, और दूसरे देश के लिए अलग आएगा, ऐसा नहीं है। हमारा परमेश्वर एक है। कितने प्रभु हैं? अगर आपके देश में जन्म न ले तो क्या करोगे आप, हैं? सच्चाई को मिटा दोगे? नहीं। अरे वो प्रभु है, वो कहीं भी, उसकी इच्छा है। परमेश्वर का वचन बताता है कि एक कुंवारी को ढूंढ रहा था, वो एक पवित्रता को ढूंढ रहा था, पर कोई मिला ही नहीं। जहां उसको मिला वहां उसने जन्म लिया, है ना। यीशु मसीह के जन्म का महीना भी है, अगले संडे क्रिसमस भी है ना। तो जहां उसको एक अच्छा पवित्र शरीर मिला, वहां पर उसने क्या किया, जन्म लिया। क्या लिखा हुआ भैया, फिर से पढ़िए। यहोवा को अपने सुख का मूल जन और तेरे मनोरथों को क्या करेगा, पूरा करेगा। और क्या है, यहोवा अपने मार्ग की चिंता यहोवा पर छोड़। क्या कर, अपने मार्ग की, अपने तरक्की की, अपने कामयाबी की क्या कर, चिंता क्या कर, छोड़ दे। वही क्या करेगा, पूरा करेगा। आमीन। आज हम लोग पता क्या करते हैं, आज हम लोग अपने मार्ग की चिंता, चोरी, डकैती, बेईमानी, है ना, अपने आगे की उन्नति के बारे में, घर के लिए, परिवार के लिए, है ना, बहुत कुछ करने के लिए, दूसरे के ऊपर दबाव रखने के लिए, मतलब कि वो उसको क्या बोलते हैं, दबदबा रखने के लिए अपने आप को क्या करते हैं, श्रेष्ठ बना के रखते हैं। पर परमेश्वर कहता है तू उसके पीछे हो, उसको सुख का मूल जान, वो तेरे लिए क्या करेगा, दुश्मनों के सामने मेज बिछा देगा, वो तुझे सुरक्षित रखेगा, वो तुझे आशीषित रखेगा, वो तेरे जीवन को ब्लेस करेगा। आमीन। हालेलुया। आज अगर एक कहानी आपको बताता हूं, कहानी क्या हकीकत है, एक परिवार किसी का भी अच्छा, किस किन्ने लोग शादीशुदा हैं, मैं भी हूं। हालेलुया। मुझे एक बात बताना, बहन लोग ध्यान सुनना, आप लोग तय सुनते, दीदी रह जा, बाद में उठवाया। हालेलुया। बोलो प्रभु यीशु मसीह की। जिस दिन पत्नी घर में आती है, पहले दिन पत्नी चाहती है कि मैं पति के ऊपर हावी हो जाऊं, और पति चाहता है मैं पत्नी के ऊपर हावी हो जाऊं, एक दूसरे के ऊपर मैं दबा के रखूंगा, वो सोचती कि मैं इसको दबा के रखूंगा। कितने लोग ने ऐसा कोशिश किया है, बहनों में नहीं समझ पाए क्या, अपने पति को दबाव में रखने के लिए कितने लोग कोशिश किया पहले दिन से ही। अच्छा आपने किया, ठीक है। आप लोगों में बहुत बहुत ईमानदार लग रहे हो यार। बनाबस आप करें। हालेलुया। बोलो प्रभु यीशु मसीह की। अच्छा एक बात बताओ, पत्नी डरपोक होती कि पति है? अभी सोचता है कि अब बोल दे तो आफत हुई जी, मरी जी बैठी नहीं है बगले, मैं आपके बारे में नहीं बोल रहा भाई। अगर पानी में रहना तो मगरमच्छ है, मुझे घर में रहना भैया, है कि नहीं, क्यों रखे भैया घर में रहना है भाई, क्यों हम मगरमच्छ से बैर करें। हालेलुया। बोलो प्रभु यीशु मसीह की। मैं आपको बताऊं कौन डरपोक होता है, जब शादी होती है तो दूल्हा 500 लोगों को बराती लेके जाता है, और पत्नी बोलती कहाँ चलना है, बोल मैं अकेली चलती हूँ। अकेले अकेले चली जाती है वो, और दूल्हा डर के मारा 500 लोग को लेके जाएगा, और दुल्हन कहती चल कहाँ चलना है, मैं अकेले चलती हूँ, देख लूंगी चल। उसके बाद जब जाती है तो सब आ जाते हैं, चाची, माई, काकी, मौसी, सब उकाद है, सब क्यों देख ले शादी के बाद, हम सबको देख ले।
सब पूरे परिवार को मैं देख लूंगी खुद। हाँ, और उसके बाद धीरे धीरे जब कुछ हो लाग, खटखट हो लाग, तो कहीं भैया घर घर की कहानी है, सब एक घरे में होत, हमारे घरे में होत, पड़ोसी लोग सब झाल, ये कुछ न बोला, कहीं कहा देख के लई आए रहे हो, बहुत लड़ा था, बहुत ई करा था, दूठी समझाओ आज यही, कुछ नगा कोनो बात नहीं ना, ये क्या है ना पता है, ये घर घर की कहानी है, सब एक घरे में होता है टक टुक, है ना, होता कि नहीं। एक आदमी पता क्या हुआ, एक आदमी जो है बहुत परेशान था अपनी पत्नी से, वो चूल्हा बासन पोछा सब कराता रही थी, बहुत परेशान था, वो बोला ये औरत है कि यार बवाल है यार, जब देखो तब झाड़ू लेके खड़ी हो जाती है, पोछा कर झाड़ू मार, पति से सब कुछ करवा रही है, वो बेचारा कमजोर था, चला गया एक दिन, बोला हम आ जा रहे हैं रिपोर्ट लिखा देंगे, हाँ बोला हम केस लड़ेंगे, रिपोर्ट कर दिया, केस लड़ने के लिए गया, बोला अपने पत्नी से लड़के गया खूब चौड़ा होके, आधा घंटे बाद लौट कर आता, बोला क्या हुआ रिपोर्ट लिखा दिया, नहीं वकील साहब के लगे घर रहे तो तीन चार चक्कर बोले, वो घर में पोछा लगावत रहे कहन कि कहन मैं बाद में आऊंगा, हम कहे जब सब सब घर में बात तो फिर हम कहा लड़ी, जब वकील साहब परेशान है तो हम कहा लड़ी, हालेलुया। आप लोग हंसते जाते हो भाई, हालेलुया, बोलो प्रभु यीशु मसीह की। मेरे प्रिय, प्रभु ने आज हम सबको जो सभा दिया है, जो वचन दिया है, मैं आपको बताना चाहता हूं कि हम लोग पिछले हफ्ते से देख रहे हैं कि हम सबको एकता की जरूरत है। आमीन। किसकी जरूरत है? एकता की। पति पत्नी अगर अपने परिवार को चाहे सुंदर से सुंदर बना सकते हैं, एक दूसरे की कमियां खींचने और निकालने से बढ़िया है कि एक दूसरे को हम सहें, एक दूसरे को समझें, एक दूसरे को प्रेम करें। अगर मैं अपनी पत्नी से प्यार करूंगा तो झाड़ू थोड़ी ना मारेगी, वो भी प्यार करेगी, है कि नहीं, कभी भी ऐसा नहीं करेगी। अगर हम उसको प्रेम करेंगे या वो हमको प्रेम करेगी तो मैं उसको नहीं मारूंगा, ऐसा होता है क्या? बाइबल बताती है कि तुम अपने पड़ोसी से क्या करो, प्रेम करो। प्रभु ने हमें प्रेम सिखाया है, हमें हमको आपको एक प्रेम सिखाया है, और विशेष करके आज के वचन में हम लोग एक चीज सीखा है कि प्रभु ने हमें एक बात बताया कि जीवन मेरे प्रभु के पास है, और उस जीवन को पाने के लिए हमें परमेश्वर के समीप रहना है, उसको सुख का मूल समझना है। आमीन। अगर हम उसको अपने सुख का मूल समझते हैं और उसको अपने हृदय में लेके चलते हैं, निश्चय आप जो भी काम करते हैं, जैसे भजन संहिता एक अध्याय में, मैं चाहूंगा उसको पढ़ दें आप, एक अध्याय को आप ध्यान से सुनिएगा, ठीक है, ये सारी चीजें आपके अंदर मतलब सब कुछ समझ में आ जाएगा। एक अध्याय उसका एक पद से पढ़ें। क्या ही धन्य है वह पुरुष, क्या ही धन्य है वो भाई वो बहन, जो दुष्टों की युक्ति पर नहीं चलता, जो शैतान की आज्ञा को नहीं मानता, उसकी आज्ञा पर नहीं चलता, और ना पापियों के मार्ग में खड़ा होता, ना दारू पीने वाले, ना ताश खेलने वाले, ना जुआ खेलने वाले, इन लोगों के मार्ग पे ना उन लोगों के साथ खड़ा होता है, ना वो काम करता है। अगर ताश क्यों खेलता है तो जाए वही देखे लगा, ये मार मार इधर हलन कर है ना, इसका मतलब है कि आपके अंदर जागृत हो रहा है वो चीज, क्या चीज, वो चीज करने के लिए। तो इसलिए क्या करना है, ऐसे लोगों के मार्ग में खड़ा भी नहीं होना है, उनको अगर खेल रहा है आप एक ही रात वॉकिंग कर जा, है ना, क्या क्या लिखा है फिर से पढ़िए, ना ना पापियों के मार्ग में खड़ा होता, ना पापियों के मार्ग में क्या करता है, खड़ा होता, और ना ठट्ठा करने वालों की मंडली में बैठता है, ना ही ठट्ठा करने वालों की मंडली में, ठट्ठा मतलब समझ रहे हो क्या, आज लोग मसीह में ना, अरे तेरे बुआ का, तेरे बहनिया का, है ना, मसीह में भी ऐसा है ना, लोग बोलता है ये ठट्ठा है, मजाक है उसका, एक क्या करता है, मतलब उसका सम्मान, उसका आदर सब खत्म कर देता है। प्रभु हमें एक सम्मानित जीवन जीने के लिए, एक पवित्र जीवन जीने के लिए, एक अगर आपको मैं बोलूं कि यूना को, उसको सॉरी क्या नाम है उसका, सिमसोन को बार मुड़ाने के लिए परमेश्वर ने क्यों बोला था, नाजिर बार ना मुड़ाने के लिए क्यों बोला था, कि बार नहीं मुड़ाना, इसका इसको नाजिर रखना, नाजिर का मतलब क्या है,
पुराना नेम है ये, अभी मैं आपको नया नेम को मैं लेकर आऊंगा, नाजिर। नाजिर का मतलब बार नहीं मुड़ना चाहिए, अलग दिखना चाहिए, है ना। मसीह में अगर आप हैं तो आप अलग दिखना चाहिए, नाजिर होना चाहिए आप एक अलग दिखना चाहिए। लोग अगर आपको देखें तो उनके अंदर आपके प्रति एक आदर होना चाहिए, एक सम्मान दिखना चाहिए, आपको सम्मानित रूप से देखें, आपको एक आदर्श के रूप में देखें। आप परमेश्वर के जन, अगर परमेश्वर के समीप हैं, परमेश्वर के साथ हैं, अगर सामने वाले के अंदर कोई कमी देख रहे हैं ना, आप उसको बोल दें, उसको एहसास होगा, वाह ये बंदा ऐसा है, मैं अपने जीवन को सही करूंगा। मैं आपको बताऊं, अपने लोगों के साथ में रहो और उनके अंदर कोई कमी देखो, उस चीज को बोल दो आप, पता है धीरे धीरे उनके अंदर से वो कमियां दूर हो जाएंगी। आप अलग हैं, आप सब कुछ चेंज कर सकते हैं जो बुराइयां हो। हम लोग मसीह में आए हैं किस लिए? बुराई को नाश करने के लिए। आमीन। बाइबल बताती है कि परमेश्वर का पुत्र शैतान के काम को नाश करने के लिए आया है, और आज हम उसके क्या हैं? पुत्र हैं। आमीन। क्या लिखा हुआ है? ना ही उसके ठट्ठा करने वालों की मंडली में बैठता है और परंतु वह तो यहोवा की परमेश्वर के यीशु की व्यवस्था। व्यवस्था मतलब वचन, जो उसका वचन है, जो उसका कलाम है कि ये चीज आपको नहीं करना है, जुआ नहीं खेलना है, चोरी नहीं करना है ना, उसकी व्यवस्था जो है हम उसको अपने जीवन में, अपने हृदय में रखेंगे, उसके अनुसार अपने जीवन को व्यतीत करेंगे। आमीन। उसकी व्यवस्था पे चलता है और उसकी व्यवस्था पर रात दिन ध्यान करता है। रात दिन क्या करता है? ध्यान करता रहता है। क्यों? किस लिए ध्यान करेगा? छोटी सी बात बोलेगा, ये बात मुझे बोलने में बड़ा खुलक, मत उसका क्या बोलते हैं, बड़ा उत्साहित होता हूं मैं। एक लड़की किसी लड़के को चाहती है, एक लड़का किसी लड़की को चाहता है, तो सारी रात सोचता रहेगा यार कैसे उससे बात होगी, है ना। ये बातें लोगों को समझ में आती है ना। यही चीज प्रभु बताना चाहता है कि सारी रात आप कैसे सोच सकते हैं, क्योंकि आपके अंदर अगर प्रेम है एक दूसरे के लिए, एक दूसरे से मिलना चाहते हैं तो कैसे, क्योंकि आपके अंदर वो चीज उबलता रहेगा। अगर परमेश्वर से अगर आपको प्रेम है, जैसे उस भाई को उसने क्या किया, सब उस सुंदर से लड़की क्या कर दिया, रिजेक्ट कर दिया, नहीं मुझे प्रभु चाहिए, है ना। अगर आप प्रभु से प्रेम करते तो दिन और रात उस पर क्या करेंगे, मनन करेंगे, उसके बारे में सोचेंगे, आज मेरा ऐसा दिन बीता है, कल इससे बेहतर होना चाहिए, मैं सन 2023 में मैं इस प्रकार से हूं, अगले 24 में मैं कुछ अलग रहूंगा। आमीन। आज मैं साइकिल चल रहा हूँ, कल मोटरसाइकिल चलूंगा, मोटरसाइकिल में मैं संतुष्ट नहीं हूँ, मुझे चार पहिया चाहिए, मैं चार पहिया से भी संतुष्ट नहीं हूँ, अब जहाज मत बोलना, उससे बढ़िया गाड़ी चाहिए। नहीं, हवाई जहाज में रोज नहीं जा सकते, मतलब अभी कार है तो उससे बढ़िया गाड़ी चाहिए, मर्सिडीज चाहिए ना हमें, उससे मजबूत, उससे अच्छी गाड़ी चाहिए। हालेलुया, बोलो प्रभु यीशु मसीह की। ये जब आप ये सब चीजें कैसे आप प्राप्त कर सकते हो, ये क्यों ऐसा लिखा हुआ वचन में, ये आपको क्यों समझाया जा रहा है, क्यों बताया जा रहा है? हो सकता है आपको कुछ चोट लगती हो सकता है आपके सर पर डंडा लग रहा हो, क्यों? क्योंकि आपके अंदर ये शायद कमियां हैं, प्रभु कह रहा है कि उसको क्या करो। कुछ लोग आपसे नजर नहीं मिलाएंगे कभी भी, पता है कब? जब उनके विरोध में वचन खुल जाएगा, तो चोर के बारे में चर्चा हो जाएगी, तो चोर चोर ऐसे लगने लगे, तो हमको ना देख ले रे, वो चुप्पे से भाग जी, है ना। क्यों रजत भैया, ऐसा होता कि नहीं? चोर हमेशा डरेगा, भागेगा, क्यों? क्योंकि कहीं ऐसा ना हो, कोई पोल खुल ना जाए, वो कोई नाम क्यों ना ले ले, है ना। कभी आप लोग ने ऐसा हुआ है कि आपने कुछ चोरी किया हो और चर्चा भाई हो और वही बीच में रहा हुआ, ओकरे बाद दाव मचाए कि ऐसे कुछ कहीं भाग गया वहां। कोई जन ऐसे ईमानदार कोई है तो ऐसे हाथ उठा सकता है? नहीं किया, मैं तो किया हूं, करे यहां देख लिया, एक आदमी ईमानदार है इसमें। हालेलुया। हम लोग मोरी उरी उचाल लिए, गन्ना उन्ना उचाल लिए, है ना। हमारे अम्मा हन की जाओ रहन दे ला गए, जब देख ले हुआ होता है घरे के वही दरवाजे के बगल घुसुर के बैठ जी, हाइये नहीं ने घरे में, एकदम सन्न खींच लेता था, हाइये नहीं ने घरे में, हमारे अम्मा का आवाज तो बताइयो का हम ओकरे बाद तनिक देर बाद जाके अम्मा का धोती पकड़ गया, अरे अम्मा कैसे हो गया, तो दुलार में से भुला जा खाता,
हालेलुया। बोलो प्रभु यीशु मसीह की। ये हो सकता है आपको हंसी है, पर ध्यान रखना प्रभु आपसे बात कर रहा है। आपको ध्यान देना कि प्रभु आपसे क्या बात कर रहा है। आपको अपने जीवन में उसको धारण करना, उसको रिसीव करना, उसको ग्रहण करना है। आमीन। वचन को सीरियस लेना। बेशक हो सकता है पवित्र आत्मा चाहता हो आपको हंसाकर चंगा करने के लिए, पवित्र आत्मा चाहता हो आपको आनंदित करके खुश कर, मतलब आशीषित करने के लिए। ऐसा नहीं है कि चंगाई का वचन होगा तभी आप चंगे होंगे। आनंद आनंद लोग हंसते हंसते, मैंने देखा है कि कैंसर गायब हो गया, फोड़े इतने थे गोले गायब हो गए हंसते हंसते, क्योंकि ये आनंद परमेश्वर की ओर से। कोई इंसान किसी को उतना आनंद नहीं दे सकता, पर प्रभु देता है आपको। आमीन। आगे पढ़िए भैया, दूसरा पद फिर से पढ़िए। परंतु वह तो यहोवा की व्यवस्था से प्रसन्न रहता। परंतु वो तो यहोवा की व्यवस्था से क्या रहता है? प्रसन्न रहता है, खुश रहता है। किसके? हमारा पड़ोसी, हमारा माता पिता, हमारा नात रिश्तेदार, बहुत सारा हमें आगे बढ़ने के लिए तरीका बताएगा, बुद्धि देगा, समझ देगा, है ना। कुछ लोग हमका बतावा थी भाई, आप लोग बुरा नहीं मानना, जो गोदाम है ना हमारा, उसमें कुछ लोग बोलते हैं पन्नी हटाए दा मट्टी तनी के जाए देवा करा माले में थोड़ा मतलब ये रास्ता सही नहीं भाई, ये रास्ता सही नहीं है। प्रभु क्या कहता है उसका क्या करना? भय मानना। हालेलुया। बोलो प्रभु यीशु मसीह की। पर हमें प्रभु क्या कह रहा है कि तुम्हें चोरी, बेईमानी, तो हम मट्टी कहां डाली? ना डाला। हाँ, मट्टी क्यों बचू भाई, वो भी दूसरे का मट्टी। हालेलुया। बोलो प्रभु यीशु मसीह की। ये पता नहीं क्यों प्रभु जाने क्यों लोग हंस रहे हैं। हालेलुया। यहाँ पर प्रभु क्या कह रहा है कि तो क्या करना, उसकी व्यवस्था को रात दिन क्या करना, ध्यान रखना। हो सकता है आपका फूफा, आपका मामा, आपका चाचा, आपका पापा, आपका आस पड़ोस के लोग, कोई भी आपको बुद्धि बताएगा आप इतनी जल्दी अमीर हो जाएगा, है ना, ऐसे से ऐसे करो आप ऐसे हो जाओगे। पर ये चीज ध्यान रखना कि प्रभु आपसे क्या कहता है, प्रभु को भय रखना है। आप किसी का घर उजाड़ोगे तो ध्यान रखना, हो सकता है दूसरे का घर उजाड़ कर आप अपना घर बनाएंगे तो ध्यान रखना उसके भी बच्चे हैं, उसके भी घर उजड़ गया था, उसके बच्चे कहाँ रहेंगे? उसके बच्चे भीगेंगे, उसके बच्चे बरसात में रहेंगे। समझ में आ रहा है? तो मतलब हम किसी का पेट काट कर अपना पेट ना भरें, हम वफादारी ईमानदारी से अपने बिजनेस अपनी नौकरी करें। प्रभु यीशु मसीह हमें यही शिक्षा देता है, ध्यान रखना। बाइबल हमें अच्छा जीवन जीने के लिए बोलती है, बाइबल हमें पाप करने के नहीं बोलती है कि हमें पाप करना है। बाइबल हमें एक अच्छा जीवन जीने के लिए बोलती है, बाइबल हमें पवित्रता का जीवन बोलती है, बाइबल हमें आज्ञाकारिता का जीवन बोलती है, बाइबल हमें एक दूसरे से प्रेम करने के बारे में बोलती है। पर संसार के लोग आप बोलेंगे, संसार के लोग बोलेंगे कि अगर उसने तेरा हाथ तोड़ा है ना तो उसका सर भी फोड़ दे। हाथ तो तोड़, पर एक काम उल्टा, सर भी तोड़ के आ। क्यों बोलेंगे? क्योंकि वो संसार का ज्ञान है। पर प्रभु हम का बोलता है कि अगर एक गाल पे कोई मारता तो दूसरा गाल क्या कर। एक भाई को पता है, एक भाई को गधे पे बैठा कर घुमाए थे, आप लोग को टीवी में, मोबाइल में टीवी तो उस समय मोबाइल में शायद नहीं देखे होंगे क्योंकि बहुत पहले की बात है, टीवी में आया था और पेपर में आया था। गधे पे बैठाए थे, पास्टर को घुमाए थे, केस कर दिया था उसने, जूता पहना कर, काला मुंह करके, सर मुड़ा कर, आधा सर मुड़ा कर, काला करके उसको गधे पे घुमाए थे, केस कर दिया था, केस हो गया था, वो लोग जेल में चले गए। पर पता है प्रभु के दास को परमेश्वर का आत्मा बोला माफ कर दे, क्षमा कर दे, सुलह हो जा। प्रभु के दास ने सुलह कर दिया। जो दुश्मन था उसका नाम मनोज था, मेरा नवरासी था वो, पर जो परमेश्वर का जन था उसने क्या किया पता है? माफ कर दिया। प्रभु ऐसा हृदय हमको आपको देता है, ऐसे सम्मान को प्रेम एक दूसरे के लिए बांटता है। आमीन। प्रभु हमें सिखाता है कि तुम्हें उन्नति कहां से मिलेगी, आशीष कहां से मिलेगी। परमेश्वर को जैसे उन लोगों को उसने माफ किया, परमेश्वर ने उसके जीवन में बहुत डेवलप किया, उसकी कलेशा को बढ़ाया, उसको ब्लेस किया, उसको आशीष किया परमेश्वर। मेरे आंखों के सामने उसके लिए नबुवत किया गया था। लखनऊ में मैं था, लखनऊ में परमेश्वर के जन ने उसके लिए नबुवत किया कि परमेश्वर आपकी कलेशिया को दुगना बढ़ाने जा रहा है, आपके पास चरपहिया होगी, बहुत सारी चीजें परमेश्वर के दास ने नबुवत करके उनको भविष्यवाणी करके बोला। तीजे थॉमस की भविष्यवाणी परमेश्वर का धन्यवाद को पूरी होती है। मैंने ऐसे उनकी भविष्यवाणियों को मैंने पूरा होते देखा है। हालेलुया। एक लास्ट वचन हम लोग देखेंगे, नीचे तीन वचन पढ़िए।
वह उस वृक्ष के समान है, वह उस वृक्ष के समान है। कौन सा वृक्ष? प्रभु क्या कह रहा है, वह उस वृक्ष के समान है। कौन सा वृक्ष है? महुआ का, आम का, कौन सा वृक्ष? इसको बहुत गौर, मैं इसको क्यों इधर उधर कर रहा हूं ताकि आप उसको और सोचो। इमली का रहा होगा, सहन का रहा होगा, कौन सा वृक्ष था? जीवन का। भी देखा, वो बहक गई। वचन पढ़ा, वचन, वचन में क्या लिखा है? भरमाने वाले बहुत घूमते हैं, मैं भी कई बार भरमा रहा हूं आपको, क्यों? ताकि सही पे आ जाओ। क्या लिखा अंकल जी? परमेश्वर के वचन पे चलो। नहीं नहीं, वहां पे क्या लिखा? तीन वचन में क्या लिखा हुआ है? वह उस वृक्ष के समान है, वह उस वृक्ष के समान है जो बहती नालियों, जो बहती नालियों के किनारे क्या किया गया है, क्या होगा? और अपनी ऋतु में फलता है, अपने मनमानी में, अपने मौजी में क्या करता है? वो फलता है, फूलता है, बढ़ता है। कोई कितना भी हवा चले गर्म, कितने भी तूफान आए, पर उसकी जड़ भी मजबूत है और वो हरा भरा है। क्यों? क्योंकि उसको नीचे से क्या मिल रहा है? ताकत मिल रहा है, उसको बल मिल रहा है, उसको नीचे से नबी मिल रही है। आस पड़ोस के पेड़ जितने भी मोटे उठे हैं सब जड़ से उखड़ जा रहे हैं। क्यों? क्योंकि नीचे खोखला है। हालेलुया। आप कितने भी धनवान हो जाओगे, बाइबिल हमें एक बात बताती है कि यहोवा को सुख का मूल जान, वही तेरे मनोरथों को पूरा करेगा। यहोवा के डरवाइयों को किसी भी भली वस्तु की घटी नहीं होती है। और वो क्या कहता है? मेरे जहां पर मैं रहता हूं वहां पर क्या है? जीवन। यीशु मसीह बोला, मार्ग सत्य जीवन मैं हूं। अगर आप यीशु में हैं तो अपने आप फूलेंगे, फलेंगे, बढ़ेंगे, मजबूत होंगे। आमीन। आप बढ़ जाना, कितना भी बढ़ जाना, पर ध्यान रखना आपका जो नाली है ना, जहां पर आपको हरियाली है ना, जहां पर आपको चारा मिलता है ना, जहां पर आपके लिए चिंता किया जाता है ना, वहां पर छोड़ना नहीं है। प्रभु आपकी चिंता करता है, प्रभु आपका, आपको नबी देता है, प्रभु आपको संभालता है। आमीन। प्रभु हमें क्या करता है? जीवन देता है। हालेलुया। प्रभु ये चीज बताना चाहता है कि जो पेड़ होता है, आप बहुत सारे दाएं बाएं पेड़ को देखेंगे, पर जो बहती नाली के किनारे जो पेड़ लगाया गया वो हरा भरा होगा। क्यों? क्योंकि उसको नमी मिल रही है। और इसीलिए प्रभु कह रहा है कि कितने भी लोग बढ़ जाते हैं, बिल्डिंग का बिल्डिंग हो जाती है, गाड़ी का गाड़ी हो जाती है, सब कुछ बढ़ जाता है, पर अगर वो प्रभु में नहीं है तो क्या हो गया? सब उखड़ जाता है एक दिन। पर प्रभु क्या करता है? प्रभु क्या बोला है? अगर कोई गिर जाता है तो क्या करता है? वो गिरे हो को उठाता है, वो आपको उठाकर सीधा खड़ा करता है, कहता पिसे हुओं का भी उद्धार करता है वो। आमीन। हालेलुया। बोलो प्रभु यीशु मसीह की। मेरे प्रिय, प्रभु सबको आशीष दे।